फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एटीज़ किचन। तो आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं मटन रोगन जोश, जो एक कश्मीरी डिश है, वहाँ की ट्रेडिशनल डिश है, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है। तो आज हम लोग आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं ये डिश। मतलब सरसों के तेल में ही बनती है तो जाके अच्छे से मतलब टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें एक कप से कम मैंने ऑयल ले लिया है, क्योंकि मेरा मटन है 1.25 किलो जितना। तो मटन के हिसाब से मैंने लिया है, ml में देखा जाए तो 150 ml है ये। ऑयल को अच्छे से हीट होने देते हैं, थोड़ा सा धुआं निकल जाए, ताकि सरसों के तेल का कभी भी खाना बनाते हैं हम तो एकदम अच्छे से हीट कर लेते हैं, धुआं उठ जाता है, तो फिर हम उसे फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। उससे क्या है कि जो एक्सेस स्मेल है वो चली जाती है। ऑयल में से धुआं निकलने लगा अच्छे से। इसे अब हम ठंडा करने के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि अभी हम कोई भी चीज़ डालेंगे तो डायरेक्ट जल जाएगा, इसके लिए हमें थोड़ा ठंडा होने देना है। जब तक कि ऑयल ठंडा हो रहा है, तब तक कि मैंने टमाटो को पील कर लिया है और इसे हमने कट कर लिया, बारीक बारीक से भी चॉप कर लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग। इसमें जाएगा एक सिनेमन स्टिक छोटे साइज का है, 5 से 6 काली मिर्ची, एक काली बड़ी इलायची, 3 लविंग और 6 से 7 हरी इलायची और 1 जायत्री और थोड़ा सा जायफल को मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसे भी डाल देते हैं, इससे अच्छी खुशबू आएगी। अब इसमें जाएगा 2 तेजपत्ता। यह है 1.25 किलो मटन, इसे भी हम डाल देते हैं। हड्डी वाला मटन मैंने लिया था, हड्डी और गोश्त मिक्स है। 5 मिनट तक हम बोलेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन ले लिया है, 10 से 12 बड़ी बड़ी साइज का था, उसे स्लाइस में कट कर लिया है। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ लहसुन भी। इस रेसिपी में बहुत से लोग लहसुन नहीं डालते हैं, बहुत से लोग डालते भी हैं, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ताकि मेरे हिसाब से अच्छा टेस्ट हो। अब इसे में डाल देते हैं 2 मीडियम साइज के टोमेटो को मैंने कट कर लिया था, इसे भी डाल देते हैं। टमाटर को मैंने पील कर लिया था, इससे क्या है इसके छिलके दिखेंगे नहीं और टमाटर अच्छे से गल जाएगा गोश्त के साथ में, बराबर से एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, इस वजह से मैंने टमाटर को पील कर लिया था। यहाँ पे मैं डाल रही थोड़ी सी हल्दी पाउडर। यहाँ पे आप पीली वाली मिर्ची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, मेरे पास पीली वाली मिर्ची पाउडर नहीं है, इस वजह से मैं हल्दी यूज़ कर रही हूँ हल्की से, ताकि अच्छे से कलर आ जाए। और यहाँ पे कश्मीरी मिर्ची और क्या नाम है तीखा लाल, दोनों मिक्स है, इसे मैं डाल देती हूँ। ये 1 चम्मच मैंने डाला है और थोड़ा सा 1.5 चम्मच से मतलब कम, मटन के हिसाब से मैं डाल रही हूँ अपने, और टेस्ट के हिसाब से जितना आप तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाएगा 1 चम्मच जितना सॉल्ट पाउडर, थोड़ा सॉल्ट ले लेती हूँ। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये 12 चम्मच है और छोटे चम्मच से 1 चम्मच जितना है ये। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सॉफ्ट पाउडर 1 चम्मच, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। अब आखिर में गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा, अच्छे से थोड़ी देर चला चला के भून लेंगे ताकि खूब अच्छे से खुशबू आए इसमें से। खुशबू तो आ रही है अच्छी सी। अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 गिलास तक पानी, क्योंकि मटन एकदम अच्छे से गला हुआ होना चाहिए और हम स्लो फ्लेम पे ही बनाएंगे इसे।
तो देखते हैं, एक गिलास तो मैंने डाल दिया है, ये दूसरा गिलास, आधा गिलास और डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे टोटल 2.5 गिलास पानी डाला है। प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं 5 से 6 सीटी लगने तक, और मीडियम फ्लेम पे हम सीटी लगाएंगे। तो 5 से 6 सीटी बजने के बाद हम मिलते हैं। ये देखिए गोश्त अच्छे से गल चुका है, ये बराबर से 8 8 सीटी लगी है मीडियम फ्लेम पे। और सालन की थिकनेस जितनी है हमें उतनी ही चाहिए। अब आगे बताते हैं। यहाँ पे मैंने छोटी सी पतीली ले ली है और उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें घी डालेंगे। ये कश्मीरी डिश है, ये जब ज़्यादा ठंडी का मौसम हो ना तो बना के खाओ तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है इसका। तो ठंडियों में ये डिश ज़्यादा मतलब बनती है हर घरों में। अब हम इसमें डाल देंगे, ये रतन जोत की लकड़ी है, जिसे रतन जोत छाल भी बोलते हैं, इसे हम डाल देते हैं। फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखना है हमें। अब हम इसमें घी डाल देते हैं, जो हमने पकाई थी ना वो घी डाल देते हैं। चलिए तो फिर ये रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी रेसिपीज वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़।